तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोनू जी बैठे हुए हैं और सोनू जी कर रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन, बिकॉज आज हमारी बेबी का 4 मंथ हो गया है कम्प्लीट। हाँ, मेरा बेबी का आज 4 मंथ कम्प्लीट हो चुका है, बिकॉज आज है 23 जून और 23 जून को उसका पूरा 4 मंथ कम्प्लीट हो चुका है। तो सोनू जी कर रहे हैं डेकोरेशन, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं फोटोशूट, बेबी मायरा का फोटोशूट होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे सोनू जी ये व्हाइट चादर बिछाए हुए और इसके ऊपर ये लिख रहा है 4 और ये ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं बादाम। तो यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। और डेकोरेशन का काम तो सोनू जी को ही मिलता है, क्यों सोनू जी? आप अच्छा डेकोरेशन करते हो ना, और मुझे काम ले लेती है और उसके बाद बोलती है आप अच्छा नहीं। गाइस, मुझे बेबी को भी रेडी करना है, तो मैं सोची क्यों ना सोनू जी ये वाला काम कर ले और मैं कर लेती हूँ बेबी को रेडी, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस, फिर पूरा डेकोरेशन हो जाता है उसके बाद आपको दिखाते हैं। और देख सकते हो कितने प्यारे फादर हैं बेबी के। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैं बेबी को रेडी करने वाली हूँ और आज मायरा पहनेगी ये वाली ड्रेस। तो ये रही मायरा की स्कर्ट और ये उसकी टॉप, देन यहाँ पे है मायरा का जूती। तो चलिए गाइस, फिर मायरा को मैं रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो फाइनली बर्थडे गर्ल रेडी हो गई, मानू प्यारी लग रही है। और इसका ड्रेस देख सकते हो गाइस, मायरा का ड्रेस बहुत मुश्किल से खोजने पे मिला है। हाँ, ये सोनू जी सेलेक्ट किए हैं। और देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन भी पूरा कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे है मायरा का केक और हाँ, ये देख सकते हो मायरा का यम्मी यम्मी सा केक। और यहाँ पे देख सकते हो ड्राई फ्रूट से पूरा डेकोरेशन किया है सोनू जी, बहुत ही प्यारा 4 लिखे हैं, बिकॉज आज है हमारी बेबी का 4 मंथ बर्थडे। देख सकते हो हमारी बेबी को कितनी कैसी लग रही है गाइस, बताना गाइस कमेंट में जरूर बताना मेरा बेबी कैसी लग रही है। और अभी जस्ट हम इसका फोटो वगैरह शूट कर लिए, आप सोच रहे हैं रील्स वगैरह बनाए। मनु लुक एट हियर। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस जफर। आज हो गई बेबी मायरा की 4 मंथ कंप्लीट और आज है 23 जून, तो आज बेबी मायरा को हो गया 4 मंथ कंप्लीट। तो अभी हम करने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रेशन और बहुत सारा फोटोशूट वगैरह किए, रील बनाई है। बेबी मायरा थोड़ा वो हो गई, थक गई है, नींद आप सोने के लिए। और ये गाइस, क्यों ना हम सोचे जल्दी से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर बेबी मायरा को सुला देंगे। चलिए गाइस, जल्दी से केक कट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख सकते हो बेबी मायरा बैठ गई है अभी। ये हमारी बर्थडे गर्ल और ये बर्थडे गर्ल का केक है और बर्थडे गर्ल को 4 मंथ कंप्लीट हो गया। गाइस, आप लोग बहुत सारा ब्लेसिंग देना हमारी बेबी मायरा को। और कैसी लग रही है बताना गाइस। हे गाइस, तो अभी हम करने वाले हैं मायरा का बर्थडे सेलिब्रेशन, 4 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन। आप देख सकते हो गाइस, बेबी मायरा का बर्थडे सेलिब्रेशन हमसे। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मायरा। अभी मायरा तो खा रही है, मायरा बेबी की मम्मा, अब मायरा बेबी की मम्मा खा ले रही है मायरा के बदले। और ये पापा को हैप्पी बर्थडे मायरा, हैप्पी बर्थडे बेटा, अभी तो मायरा छोटी है, आज बेबी का 4 मंथ कंप्लीट हो गया है। और ये आप लोग के लिए गाइस, बताना गाइस कैसा लगा हमारा सेलिब्रेशन। गाइस, तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और मायरा का जस्ट सोने का टाइम था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सेलिब्रेशन कर लेते वरना मायरा सो ही जाती। बट ये कहाँ सोने वाली, बर्थडे से सेलिब्रेशन जैसे हुआ उठ गई, वैसे उठ गई और अभी सोने का नाटक कर रही थी जब बर्थडे हम लोगों का। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे खेल रही है, देख सकते हो ड्रेस वेस चेंज किया, अभी फ्री लग रहा है और उसको ड्रेस वगैरह चेंज कर, क्योंकि हैवी ड्रेस पहन के बच्चों को तो नींद आता नहीं है। सोने जी बोले कि उसको ड्रेस वगैरह चेंज कर दो, फिर उसको थोड़ा हल्का लगे तो सो भी जाएगी। बट बेबी कहाँ सोने वाली, और ब्लॉग वगैरह तो बनाने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा, जो भी टाइम मिलता है हमें शूट वगैरह कर लेते हैं जितना मिलता है। और गाइस, अभी जस्ट सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, सुबह से हम लगे हुए थे फोटोशूट करने में, इतना टाइम निकल जाता है और बच्चे का फोटोशूट करना सो मैंने डिफिकल्टी यार, करना है रील बनाना है ब्लॉग शूट करना है, सब में बहुत टाइम चले जाता है। तो गाइस, अभी हो गया सब कुछ अच्छे से, और बताना हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, ये वाला बर्थडे सेलिब्रेशन वाला और जो भी हम सब कुछ जो भी हम किए हैं डेकोरेशन वगैरह फोटोशूट का सब कुछ आपके साथ शेयर किए। हाँ, आप जरूर बताना कैसा लगा। और हम भी जा रहे हैं डिनर करने।
डिनर का टाइम ही नहीं मिला है सोनू जी, उसके बाद स्लीप करेंगे हाँ। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं गाइस इस ब्लॉग का यहाँ बस एंड, आज भी सोनू जी को सोनू चलो ना कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, कभी सोनू जी को टाइम नहीं मिलता, फिर बेबी आने के बाद तो टाइम निकालना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत टफ है। देख सकते हो गाइस हम दोनों की आंखों में नींद है, रात रात भर जगाती है और देखो तो गाइस सास रही है। तो चलिए गाइस हम सोचे इस ब्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड और फिर नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना गाइस, और बेबी को बहुत सारा ब्लेसिंग देना, अपना प्यार देना। तो फिर मिलते हैं एक न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।